तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से अपने RGBP के फॉर्म को किस तरीके से फिल कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्रोम को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपके पास सर्च करना है RGBP स्टूडेंट लॉगिन। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे उस पर आपको नीचे यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको फर्स्ट वाली वेबसाइट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर देना है ताकि आपके मोड डेस्कटॉप साइट पे हो जाए। फिर आपको यहाँ पे ID पासवर्ड फिलअप करके यहाँ पे कुछ कैप्चा मांगेगा, वो आपको कैप्चा फिल कर देना है। वो डायरेक्ट फिर लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन स्टूडेंट सर्विस वाले आइकॉन पे आपको क्लिक कर देना है, जो कि आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिखाई देगा स्टूडेंट सर्विस। इसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा फिल एग्ज़ाम फॉर्म। फिल एग्ज़ाम फॉर्म में आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपका दिखाई दे रहा होगा। आपको यहाँ पे सर्च वाला आइकॉन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूट, यानी कि आपका फॉर्म इंस्टीट्यूट से फॉरवर्ड हो चुका है। तो आप इसे किस तरीके से फिलअप कर सकते हो वो हम आपको बताते हैं। तो देख सकते हो मैं फॉरवर्ड बाय इंस्टीट्यूट हो चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा लेफ्ट में जाना है आपको, यहाँ पे जो डॉट दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आप यहाँ पे इस पेज पर यहाँ पे देख सकते हो इतने सारे सब्जेक्ट आपके आ चुके हैं। इन सब्जेक्ट में से आपको जो यहाँ पे दो सब्जेक्ट मेनली आपको क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है यहाँ पे अगर आप सबमिट करने जाते हो फॉर्म को, तो आप जैसे यहाँ पे अपने टर्म और कंडीशन को अप्लाई करेंगे और यहाँ पे गो टू पेमेंट मेथड पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ अलग तरीके का, मतलब यानी कि आपको बोलेगा कि चूज एटलीस्ट इंटर, तो आप उसे उस प्रॉब्लम को किस तरीके सॉल्व कर सकते हो और आपके सब्जेक्ट को चूज़ करके RGBP यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो हम चलिए हम आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं लाइव प्रूफ के साथ। हम यहाँ पे गो ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करते हैं तो टर्म और कंडीशन पर हम क्लिक करना पड़ेगा पहले। उस पर क्लिक करने के बाद हम टर्म और कंडीशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जा रहे हैं गो टू ऑनलाइन पेमेंट पे। जैसे आप ऑनलाइन पेमेंट पे जाएंगे आपको कुछ इस तरीके का बैनर शो करेगा। तो ये किस तरीके से करता है, इसका सॉल्यूशन क्या है, तो आपको यहाँ पे दो सब्जेक्ट दे रखे हैं। इन सब्जेक्ट में से आपको एक कोई सा भी सिलेक्ट कर लेना है, मिनिमम एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। मैं आपको यहाँ दो ही पे दो करके दिखाई दे रहा हूँ। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करना है, उसके बाद गो टू ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आप ऑनलाइन पेमेंट की मेथड पे रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे, जो कि आपको बिल डिस्क जिस पे बिल डिस्क सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे UPI पे सिलेक्ट करना है, फिर पेमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप पेमेंट पे क्लिक करेंगे ये आपकी UPI ID मांगेगा, जो कि आपके पेटीएम में आपको देखने को मिल जाएगी। जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हो वहाँ पे आपको अपनी UPI ID कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। चलिए हम यहाँ पे UPI ID पेस्ट कर देते हैं और मेक पेमेंट पे क्लिक कर देते हैं। इतना करने के बाद आपके UPI ID पे एक रिक्वेस्ट चली जाएगी जिसको आपको कि एक्सेप्ट करना है और पेमेंट करना है। तो आप देख सकते हो हमारे मोबाइल में आप वो रिक्वेस्ट आ चुकी है, हम रिक्वेस्ट को पे करेंगे। तो अब यहाँ पे पे कर देते हैं हम इनको पेमेंट। पेमेंट करने के बाद हमारा 2350 रुपये पेमेंट हो रहा है क्योंकि हमने लेट फीस लगी है 500 रुपीस। तो आपको सिर्फ 1850 रुपीज़ देने पे करने होंगे। 2350 रुपये पे कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, आपके सामने लाइव प्रूफ के साथ आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए हम प्रोसेस टू पे पर क्लिक कर देते हो। अब यहाँ पे पिन हम यहाँ पे फिलअप कर देते हैं। पिन फिलअप करने के बाद हमारा देखते हैं पेमेंट सक्सेस होता है या नहीं होता है। तो ये हमारा पेमेंट सक्सेस हो चुका है। अब हम जाएंगे यहाँ पे जो कि अपना बैक बटन होता है उसको बैक करने के बाद आपको यहाँ पे सिर्फ 30 सेकंड वेट कर लेना है और फिर यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्रोम पे चले जाना है। क्रोम पे जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो डायरेक्ट हमारा फॉर्म डाउनलोड करने का ऑप्शन आ चुका है, यानी कि हमारा एग्जाम फॉर्म फिलअप हो चुका है। अब हम इसे डाउनलोड कर लेंगे या फिर आप इसका स्क्रीन शॉट भी ले लीजिए क्योंकि ये आपको बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। तो इस तरीके से आप अपने RGBP यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अब आपको लाइव प्रूफ के साथ चेक भी करके बताएंगे कि आपका एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप हुआ है या नहीं हुआ है। फिलअप होता है तो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो चलिए हम थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं, वापस हमें ये पेज वहीं पर लेकर जा रहा है। अब यहाँ पर होम पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट टैब को ओपन करेंगे। नेक्स्ट टैब ओपन करने के बाद यहाँ पर वही लिखेंगे RGBP स्टूडेंट लॉगिन। उस पर क्लिक करने के बाद फर्स्ट वाली वेबसाइट पर जाएंगे। फर्स्ट वाली वेबसाइट पर जाने के बाद अपने डेस्कटॉप साइट पर क्लिक करके इसको अपने ID और पासवर्ड डाल के कैप्चा को फिल कर देंगे और यहाँ पे साइन इन कर लेंगे। इतना करने के बाद हम आपको लाइव प्रूफ के साथ बताएंगे कि आपका फॉर्म सबमिटेड हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम यहाँ पे अपना ID पासवर्ड डाल देते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट सर्विसेज पे क्लिक करते हैं और फिल एग्ज़ाम फॉर्म पे अब हमको क्लिक करेंगे। फिल एग्ज़ाम फॉर्म पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, फिल एग्ज़ाम फॉर्म पे क्लिक करने के बाद ये हमें हम नेक्स्ट वाली वेबसाइट पर लेकर चला जाएगा। नेक्स्ट वाली वेबसाइट पर जाने के बाद आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो सबमिटेड टू RGBP, यानी कि हमारा एग्जाम फॉर्म RGBP यूनिवर्सिटी को
तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही यूनिवर्सिटी से रिलेटेड या कुछ भी मतलब जो भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है उससे रिलेटेड सोल्यूशन लेकर आते रहते हैं। तो आपको ये एग्जाम फॉर्म भरने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, आप इस वाली मेथड को यूज़ करके अपने एग्जाम फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।